झुंझुनू कलेक्ट्रेट में मंगलवार को विभिन्न बैठकों का आयोजन हुआ और इसी क्रम में बिजली, पानी और चिकित्सा की समीक्षा बैठक में नवलगढ़ के विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने भी हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर रवि जैन की मौजूदगी में हुई इस बैठक में डॉक्टर शर्मा ने नवलगढ़ क्षेत्र में पानी की समस्या को मुख्य रूप से रखा और साथ ही कहा कि 5 साल पहले नवलगढ़ में उन्होंने जिन चिकित्सा संस्थानों को स्वीकृत कर उनका निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो आज दिन तक बंद पड़ा है, जिस पर जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्माण कार्य और साथ ही अधूरे पड़े कार्यों की सूची तैयार करने को कहा। इसके अलावा कलेक्टर ने सीधे पटवारियों से संवाद किया और उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र किसानों के अधिक से अधिक आवेदन तैयार करने हैं। सुबह 2 मीटिंग्स रखी, एक तो सारे SDMs, BDOs, तहसीलदार और सारे पटवारियों से हमने बात की है। सभी जो हमारे ब्लॉक्स और सब डिविज़न ऑफिसेस थे उनको हमने VC के माध्यम से मीटिंग ली, जिसमें सारे पटवारी हमने बुलाए थे अपने अपने क्षेत्र के। 3-4 इश्यूज़ थे, एक तो PM किसान सम्मान निधि जो योजना है जिसके अंदर की प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये साल के मिलेंगे, उसके लिए पूर्व में ये शर्त थी कि जो सीमांत और लघु कृषक हैं उन्हीं को ये पैसा मिलेगा, लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया है कि सभी किसानों को यह पैसा मिलेगा, इसके बेनिफिशियरी रहेंगे। तो इस संबंध में सभी पटवारी को इसके बारे में, योजना के बारे में बताने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास में आए और उनको वो सेंक्शन करके हमारे पास में भेजें, इसके लिए हमने उनको बताया था।